मैम देखिए, आपका जो है क्लास 7th में जो चैप्टर चला है लाइन एंड एंगल्स, उसके सेकंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 का मैं सेकंड पार्ट ले रहा हूँ। तो देखिए, इसमें आपको यहाँ पे डायग्राम दिया है, आपको यहाँ पे चेक करना है इट इज एल इज पैरेलल टू एम, क्या एल एम के पैरेलल्स है। तो देखिए, आपको यहाँ पे इसमें एक एंगल हमने वन कंसिडर कर लिया। अब आप देखेंगे दो लाइन कट कर रही है, तो यहाँ पे एंगल वन किसके इक्वल होगा, 75 डिग्री होगा। ये कैसा एंगल होगा, इट इज़ अ वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हो जाएगा, और वर्टिकल अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल वन कितना होगा, 75 हो गया। अब ये ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एन लाइन एल और एम को, तो इसके एक साइड पर जो इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं उनका सम देखते हैं। तो एंगल वन प्लस 75 डिग्री, एंगल वन कितना 75 है, तो 75 प्लस 75 कितना जगह को 150, विच इज नॉट इक्वल टू 180, जो कि 180 के इक्वल नहीं है। तो सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन आर नॉट सप्लीमेंट्री, सो एल इज नॉट पैरेलल टू एम। तो सेकेंड कंडीशन में आपका एल लाइन जो है वो एम के पैरेलल नहीं होगी, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे चेक करके देखना है, ठीक ना। अब थर्ड पार्ट में आपको यहाँ पे डायग्राम दे रखा है, इसमें आपको दिया है 57 डिग्री, ये आपको 123 दिया है। तो वेदर इट इज चेक एल इज पैरेलल टू एम, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सी लेट अस कंसिडर द एंगल वन हेयर। हम यहाँ पे एंगल वन कंसिडर करें, आप देखेंगे एंगल वन 57 डिग्री हो गया, तो ये कैसे एंगल होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हो गया। अब इनका सम करते हैं, ये एक ट्रांसवर्स लाइन इंटरसेक्ट करिए इस लाइन को, यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है, एन लाइन का है। तो आप देखेंगे एंगल वन प्लस 123, एंगल वन किसके इक्वल है, 57 है, तो इसका सम करता है, तो 57 प्लस 123 डिग्री, तो इनका सम कितना आ गया आपका, 180 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे देखें इन सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, देखिए ये दो लाइन्स है, ये आपको इंटरसेक्ट करिए, तो ये कैसी लाइन कहलाएगी, इट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन। तो उसकी एक साइड पर जो एंगल्स होना है, जैसे एंगल वन और एंगल 123 डिग्री, तो इनका सम कितना होगा, आपका सप्लीमेंट्री हो गया। तो आप कह सकते हैं कि एल इज पैरेलल टू एम, एल लाइन क्या होगी, एम के पैरेलल हो जाएगी। सिक्स क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है, आपको यहाँ पे डायग्राम दे रखा है, इसमें भी आपको ये चेक करना है कि एल इज पैरेलल टू एम, क्या एल एम के पैरेलल है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये एन लाइन इसको कट कर रही है, तो कैसी लाइन हो जाएगी, इट इज़ द ट्रांसवर्सल लाइन। अब इसमें एंगल्स आपको देखा 72 डिग्री, यहाँ आपको 98 डिग्री देखा, ये एंगल वन ले रखा है, तो एंगल वन किसके इक्वल होगा, 72 डिग्री होगा। कैसा एंगल होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स होगा, ठीक है। अब इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन का सम करते हैं, तो एंगल वन प्लस 98 डिग्री, अब यहाँ पे एंगल वन किसके इक्वल है, 72 डिग्री के इक्वल है, तो 72 डिग्री प्लस 98, तो आप का सम देखेंगे 170, विच इज नॉट इक्वल टू 180, जो 180 के इक्वल नहीं है। तो इस कंडीशन में भी एल लाइन जो होगी एम के पैरेलल नहीं। इसमें आपको कुछ लेटेस्ट ट्राई वाले क्वेश्चंस करने हैं जो पेज 100 पे हैं, तो इसके मैं दो तीन पार्ट करा रहा हूँ, बाकी आप इसको ट्राई करेंगे। तो देखिए इसका, जैसे फर्स्ट पार्ट में फिगर दे रखी है, यहाँ पे आपको देखा एल इज पैरेलल टू एम, यहाँ पे 60 डिग्री के देखा ये एक्स देख रहा, तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो देखेंगे यहाँ पे क्योंकि एल पैरेलल है, और ये टी कैसी लाइन है, इट इज़ द ट्रांसवर्सल लाइन, तो आप देखेंगे कैसे एंगल्स बन गए, इट इज़ द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो आप देखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो एक्स किसके इक्वल हो, 60 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से फर्स्ट पार्ट का आंसर एक्स इक्वल टू 60 हो जाएगा। अब ऐसी थर्ड पार्ट में देखते हैं, यहाँ पे आपको एल और एल टू दो लाइन्स दे रखी हैं, लेकिन यहाँ पे पैरेलल नहीं दे रखी है, टी कैसी लाइन है, इट इज़ अ ट्रांसवर्सल लाइन, और यहाँ पे आपको देखा एंगल वन और एंगल टू, इज़ द एंगल वन इक्वल टू एंगल टू, क्या एंगल वन एंगल टू का इक्वल होगा। अब यहाँ पे एंगल वन एंगल टू का इक्वल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों लाइन्स पैरेलल नहीं है। अगर ये दोनों लाइन्स पैरेलल होती और टी ट्रांसवर्सल लाइन होती तो एंगल वन एंगल टू के इक्वल हो जाता, कैसा एंगल होता है, या अल्टरनेट इंटी एंगल्स हो जाता, ठीक ना। अब देखिए इसी तरह से इसका एक पार्ट और ले रहा हूँ, ये आपका इसका फोर्थ पार्ट है, इसमें आपको जेड की वैल्यू निकालनी है, और आपको यहाँ पे दिया एल इज पैरेलल टू एम, जो लाइन एल है वो पैरेलल है एम के, और जो लाइन टी है कैसी लाइन है, इट इज़ द ट्रांसवर्सल लाइन, इंटरसेक्ट कर रही है, तो आपको यहाँ पे जेड की वैल्यू फाइंड करनी है।
तो देखिए क्योंकि एल पैरेलल है और टी ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इसका जो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड और ट्रांसवर्सल लाइन आर सप्लीमेंट्री। जैसे इससे पहले हमें क्वेश्चन नंबर 6 करा था एक्सरसाइज 5.2 का, ठीक है ना, तो उसी पे बेस हम यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे। तो आप देखेंगे इसमें जो है आपका 60 प्लस एंगल जेड इक्वल टू 180 हो जाएगा। तो यहाँ पे एंगल जेड इक्वल टू 180 माइनस 60, तो कितना हो जाएगा आपका 120 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसमें आपका एक पार्ट और ले रहा हूँ, इसमें आपको दिया पी इज पैरेलल टू क्यू, एल इज पैरेलल टू एम, यहाँ पे एक एंगल आपको 60 डिग्री दे रखा है। तो आपको यहाँ पे वैल्यू फाइंड करने ए बी सी डी। देखिए इसमें आप देखेंगे पी पैरेलल है क्योंकि एल ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इन दोनों एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा 180 होगा। ये कैसे एंगल्स होंगे, इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड और ट्रांसवर्स लाइन सप्लीमेंट्री। तो यहाँ से ए की वैल्यू निकालेंगे तो कितना को 120 डिग्री आ जाएगा। इसी तरह से हमने यहाँ पे एक्स कंसीडर कर लिया, तो एक्स किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा, कैसे एंगल होगा, क्रॉस्पॉन्डिंग एंगल्स बन जाएंगे। तो अब बी निकालना है तो इन दोनों एंगल का सम 180 है, तो 180 में से एक्स माइनस करोगे, एक्स आपका 120, तो ये आपका बी एंगल कितना होगा आपका 60 डिग्री हो जाएगा। जितना बी है उतना आपका सी होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स है, तो ये आपको 60 डिग्री हो गया। अब हमें डी निकालना है, तो डी किसके इक्वल होगा, एक्स के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये एंगल 120 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए आज ये आपको लेटेस्ट ट्राई पेज नंबर 100 पे ये क्वेश्चंस ट्राई करने आपको और एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट करने। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।